कांग्रेस का अच्छा है, हमारे यहाँ के लोकल विधायक है गंगा देवी जी, उन्होंने अच्छा कार्यकाल कराया। चुनाव होते हैं ना जब, तो वादे करते हैं ये, और फिर वादे निभाते नहीं है। मोदी को नाम से, मोदी को सिर्फ मोदी के फेस पे, मोदी का फेस बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? हमारा देश हिंदू संस्कृति होगी तभी तो बनेगा देश। बगरू विधानसभा क्षेत्र के रामपुराती गांव में हमारी मौजूदगी है, हम वहां से जानेंगे जनता से, जनता के चुनावी मूड के बारे में, जनता के चुनावी रुझान के बारे में, आमजन से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं क्या क्या है उन पर भी बातचीत करेंगे, और सरकार तक उनकी समस्याओं को पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं बगरू के रामपुरा उमती गाँव में और वहाँ चलकर आम जनता से बातचीत करते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? जितेंद्र चौधरी। क्या लग रहा है इस बार बगरू में, क्या चुनावी समीकरण बैठ रहा है, क्या माहौल है? समीकरण है कि जनता को पागल बनाया जा रहा है, कोई सी भी पार्टी हो जनता को मूर्ख बना के, जब भी चुनाव होते हैं तो यहाँ पे मूर्ख बना के चले जाते हैं और 5 साल देखते ही नहीं है। तो माहौल तो ऐसा है कि जनता है बन जाती है, हम मूर्ख लोग हैं ऐसे मान लो, जनता है ना ये सभी मूर्ख है, अरे यहाँ पे मूर्ख बन जाते हैं वो। तो 5 साल में कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया, मतलब यहाँ पे जनता को बेवकूफ बनाया है, एक भी काम सही नहीं किया। कोई सी भी पार्टी हो पार्टी के विरुद्ध नहीं हो, कोई सा भी नेता हो नेता के विरुद्ध नहीं हो, जो काम हो रहा है जो कानून बन रहे हैं ये सब गलत है। तो फिर किसको वोट करोगे इस बार? नोटो को। तो अच्छा, कोई ना कोई विकास कार्य तो हुआ ही होगा? विकास कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ, गलत ही गलत। 1% भी नहीं हुआ? 1% में नहीं, जो भी कानून बनाए मोदी जी कानून बना रहे हैं वो भी गलत है। मोदी जी 21 साल लड़की, इस आधार पे कह रहे हो आपकी गलत है या सही है? हमारी संस्कृति को खराब कर दिया, बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? हमारा देश हिंदू संस्कृति होगी तभी तो बनेगा देश हिंदू राष्ट्र, अभी नहीं है। नहीं है, हमारी हिंदू संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है। कैसे? मोदी जी ने हमारी 21 साल की लड़की की शादी कर दी उम्र, और लेकिन एक कानून बना दिया 16 साल की लव लिस्ट में रह के बच्चा पैदा कर सकती है, तो हमारी संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है। तो क्या संस्कृति को ठीक कौन करेगा आपके हिसाब से? हाँ, अब क्या करे, तो हम तो जनता है, हमें क्या पता, हमें तो नेता है उन भी विश्वास है। तो आप जिसको वोट करोगे आपके हिसाब से वही ठीक करेगा? नहीं तो फिर कौन करेगा? कोई नहीं कर रहा, जनता जब एक जगह होगी तब होगा काम, जनता एक जगह नहीं हो रही। तो बगरू की जनता क्या चाहती है? क्या चाहती है? यही चाहती है कि गलत कानून ना हो, सर काम अच्छी तरह से हो, यही चाहती है जनता। तो यहाँ पे वोटों के टाइम तो भीख मांगने के लिए आ जाते हैं और 5 साल देखते नहीं है, और हमारे यहाँ के मूर्ख लोग है ना, हम मूर्ख है सभी, एक जगह नहीं बैठते, कोई सा भी काम हो एक जगह नहीं बैठते, भाईचारा खो दिया है। तो एक जगह जब तक नहीं होगा ना, जब तक कोई विकास नहीं होगा, इन वोटों का कोई सेंस ही नहीं है, तो कोई सेंस भी नहीं निकला अभी तक, बिल्कुल कोई मतलब सेंस नहीं है, तो किसी को वोट ही नहीं दोगे? नहीं देंगे, क्या करे, वोट देके क्या करे, तो ये बता दो आप भाई, वोट देके करे क्या, सेंस नहीं है तो क्यों दे वोट? किसी को तो चुनना पड़ेगा, चुन के क्या करे, तो कोई प्रॉफिट हो या कोई मतलब हमारा कोई सुविधा मिले तभी तो है ना। पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपको ना नुकसान हुआ है ना कोई फायदा हुआ है? नुकसान हुआ है, नुकसान ही नुकसान, हमारा कोई तो फायदा हुआ ही होगा, 5 साल तो बहुत होते हैं, एकाध विकास कार्य तो। विकास कौन सा है, जो नुकसान भी होता है विकास होता है, उसमें नुकसान के लिए भी विकास होता है, एक भी नुकसान नहीं है, सभी नुकसान नुकसान है, एक भी प्रॉफिट नहीं है किसी भी मामले में, एक भी प्रॉफिट नहीं है। हाँ जी बाबू जी, क्या नाम है? नाम मत पूछो, मान दो। अच्छा चलो ठीक है, नाम नहीं पूछती हूँ, पर बताओ क्या चुनावी माहौल है बगरू में इस समय? ज्यादा बीजेपी का है, बीजेपी का है ज्यादा। अच्छा बीजेपी है, क्यों, क्या कोई विकास कार्य करवाए बीजेपी ने? करवाया जी ने, करवाओ जी ने, देश नहीं बचाती बीजेपी तो। किसको वोट करोगे? बीजेपी भी कह रहे थे, मैं तो सभी कह रहे थे, मैं कहीं कह रही, जो सभी कह रहे थे बैठे जी। बीजेपी को क्यों, बीजेपी के अलावा और भी है, कांग्रेस निर्दलीय है, कांग्रेस को भी देगा, हम सब भी देगा, नरा कांग्रेस का नरा बीजेपी का। नहीं आप किसको दोगे? मैं तो कह दिया ना बीजेपी को दे रहा हूँ। आप तो यहाँ रहते हो, रोज देखते हो, कुछ तो हुआ होगा 5 साल में? नहीं दिखाई दिया गया, सड़क भी है, बिजली भी है, तो हम तो कभी कभार आते हैं, हम तो जैसे अभी विधानसभा चुनाव है तो एक बार आए दौरा करने के लिए, आप तो रोज रहते हो। चुनाव कोई भी हो, मैं आपको बताऊँ, चुनाव होते हैं ना जब, तो वादे करते हैं ये, और फिर वादे निभाते नहीं है, वादा भी वादा नहीं निभाया, मतलब कहाँ निभते हैं वादे, और निभाया किसी सरकार ने तो बता दो, 100 वादे करते हैं जिनमें 2 वादे पूरे होते हैं, दो ही बता दो जो हुए हैं पूरे, तो है इतना सा, तो जैसे बिजली भी है, पानी की सुविधा है हमारे पास है नहीं, यहाँ पिछलपुर आज तक पानी नहीं है, पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की हमारे दुकान में। क्या नाम है भाई साहब आपका? गन्नाराम। अच्छा, यहाँ पे पानी, अभी जैसे इन भाई साहब से सुनने को मिला कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है, सच कह रहे हैं क्या? पानी तो कमी है, कमी है,
अच्छा, और पानी के अलावा? पानी के अलावा और तो हरी से कुछ विकास नहीं हो रहा है। विकास सब समय पे हो रहा है एकदम, बस पानी की समस्या है। आपको क्या लगता है इस बार यहाँ पर बगरू में सुनाई दिया है मतलब कि लोगों से कि बस स्टैंड को लेकर जो है बड़ी दिक्कत है, क्या दिक्कत है? चार मेरे सड़कें फूटी हुई है, सड़कें विकास नहीं हुई है, ऐसी बात है। क्या नाम है भाई साहब? नाम प्रभु नारायण है साहब। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बगरू में, किसकी तरफ रुझान लग रहे हैं? बीजेपी की तरफ लग रहे हैं। तरफ? अच्छा, मतलब कोई काम काज करवाया है बीजेपी ने? बीजेपी तो ठीक नहीं, तो कैसे हो रहा है अभी काम? तो फिर आप बीजेपी के लिए कैसे कह रहे हैं? मोदी को नाम से, मोदी को सब, सिर्फ मोदी के फेस पे, बस मोदी के फेस पे। क्या नाम है बाबू जी? नारायण। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार आपको, किसकी किसको वोट दोगे आप? बीजेपी में। बीजेपी को ही दोगे? अच्छा, तो मौजूदा समय में जो विधायक है उन्होंने कोई विकास कार्य करवाए? विकास कार्य कौन कराया? कुछ नहीं करवाया गंगा देवी जी ने? नहीं करवाया। क्या नाम है आपका? कमल चौधरी। किसको समर्थन कर रहे हो इस बार? क्यों? अच्छा है, पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा तो है, ठीक है, ये बात तो समझ आती है। कोई विकास कार्य करवाए? विकास खूब करवाया था। जनता को राहत मिली है? फुल मिली थी मैम। जनता के सपने पूरे हुए? पूरे हुए। जैसे बताओ, एक आध विकास कार्य बताओ। विकास जैसे बिजलपुर का मुद्दा भी उठाया था और वो भी पूरा करेंगे आएंगे तो। यहाँ पे पीने के पानी की बड़ी समस्या है जैसे यहाँ पे लोगों से सुना, सच है क्या बात? बिल्कुल, पानी की बहुत समस्या है। वो क्या कहना चाहते हो समस्या को लेकर सरकार से? यही है कि मैम समस्या है, समस्या का होनी चाहिए पूरी। देखिए, कांग्रेस की योजना है एक तरफ और विधायक का कामकाज एक तरफ, दोनों में से ज्यादा कौन सा कारगर साबित हुआ? जैसे कांग्रेस की योजना है तो एक तरफ, ठीक है, और उसके अलावा विधायक ने जो यहाँ पे कामकाज करवाया, या तो कांग्रेस की योजनाएं धरातल पर उतरी या विधायक ने कामकाज करवाया? कांग्रेस की योजनाएं नहीं धरातल पर उतरी। नहीं उतरी, एक भी नहीं उतरी। अब क्या उतरी मैम, रोड देखो आपके सामने है, लाइट नहीं है, पानी की समस्या है, नाली नहीं है। आने वाली सरकार से आप इन समस्याओं की उम्मीद करते हो? जी मैम, पूरी। ये जो खूबसूरत सी जगह देख रहे हैं आप, इसका नाम है रामप्रांती, जो बगरू विधानसभा क्षेत्र में है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ यहाँ एक भाई साहब मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं इस जगह से जुड़ी कुछ रोचक बातें। क्या नाम है सर? श्याम जाट। क्या ये जो जगह है बहुत खूबसूरत सी लग रही है, क्या इतिहास है इसका? ये पहाड़ी इलाका है, इसमें ये खान है, इस खान के अंदर ये बारिश का पानी आता है, ये पास में बोरिंग है, इस बोरिंग का पानी भी हम वेस्टेज नहीं खंडाते हैं, इस खान के अंदर खंडाते हैं, वो कबू पी लेते हैं, पशु पक्षी पी लेते हैं, जानवर पी लेते हैं, सभी में काम आता है। तो वो अभी बारिश का मौसम के यहाँ पानी नहीं भरता है ना, तो इस खान का काफ़ी फायदा मिलता है पशु पक्षियों को, जानवर पशु पक्षियों को भी और यहाँ की जनता को भी बहुत फायदा मिलता है। चलो ठीक है, ये तो हो गई इस जगह की बात, अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी चुनाव के बारे में। तो क्या लग रहा है आपको बगरू विधानसभा क्षेत्र में इस बार, क्या माहौल लग रहा है? माहौल अच्छा है, कांग्रेस का अच्छा है, हमारे यहाँ के लोकल विधायक है गंगा देवी जी, उन्होंने अच्छा कार्यकाल कराया है। क्या क्या करवाया, जैसे एक आध काम गिनाइए। एक तो हमारे मोहल्ले के अंदर दो तो सिंगल पॉइंट दिए हैं उन्होंने, एक ये पार्क का डंडा बनाया है, हमें स्कूल की बाउंड्री बनाई है, एक मास लाइट दी है 80 फुट ऊंची, और मतलब ये अम्बेडकर भवन का ये भोल बनाया है उन्होंने। और उनसे आप किन कामों की उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो उनकी अच्छी है, काम अच्छा किया उन्होंने, कोई कमी नहीं है काम में, कोई भी कमी नहीं है, जितने भी वादे किए थे सारे पूरे किए उन्होंने, उन्होंने कभी फालतू तो कोई वादा किया नहीं, किया तो उन्होंने जामड़ पे वादा खिलाफी नहीं की, जिन वादों को लेकर दावा किया था वो सब पूरे किए उन्होंने, किया उन्होंने। तो आज हमने बगरू विधानसभा क्षेत्र में जनता से बातचीत की, जनता का चुनावी मूड जाना, चुनावी मुद्दों पर चर्चा की, आमजन से भी बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी की। देखिए, 2 दिन बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे, और उस दिन हर विधानसभा क्षेत्र की तरह बगरू विधानसभा क्षेत्र का भी जो है फैसला हो जाएगा कि इस सीट पर कौन बैठेगा। आखिरी में द नगरी मीडिया सभी से अपील करती है कि मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले, अपने मतदान का सही प्रयोग करें और सही जनप्रतिनिधि को चुनें।